हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बार शेप की एडिटिंग के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपके बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर बार शेप होता है, तो उसको उसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करना होता है, जैसे कि बार साइज को कम करना, ज़्यादा करना, उसको थिक करना, थिन करना, ग्रुपिंग करना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले हमने आपको बताना है कि हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने जो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए जो यहाँ पे हेडिंग होते हैं वो क्या होना चाहिए, हमने बहुत शॉर्ट करके बनाया, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके अंदर हमने कुछ फार्मूला बताए हैं, जैसे कि हमने इसके जो लेंथ है, एक बार का लेंथ क्या होना चाहिए, टोटल बार कैसे, टोटल लेंथ कितना कैसे निकलेगा, और यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, और केजीएस कैसे निकालेंगे, और उसको टर्न्स में कैसे कन्वर्ट्स करेंगे, हमने सारे चीज़ें पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप उसे प्लीज़ जाके देख लें, ठीक है। तो चले हमने शुरू करते हैं, देखें। तो चले सबसे पहले हमने ग्रुपिंग के बारे में समझते हैं। देखिए ग्रुपिंग, जैसे देखिए आपने इसको सिलेक्ट किए तो सिंगल सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो हमने इसको ग्रुप में करना है, तो चले हमने ग्रुपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। अब देखें, ये भी हमारा सिंगल सिंगल हो रहा है, तो इसे हमें ग्रुप में करना है। तो हमने करना क्या है कि हमने सिंपली एक को क्लिक करेंगे और आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की होगा, उसको आप प्रेस करें और प्रेस किए रहें, और माउस से आपने हर लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, आपने करना क्या, यहाँ पे की को, अपने कंट्रोल की को छोड़ देना है और जस्ट यहाँ पे माउस रख करके राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्रुप है, तो ग्रुप को हमने क्लिक किया, देखिए ग्रुप में आ गया हमारा, अभी सिंगल सिंगल क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए कि अभी इसको अनग्रुप करना है, तो हमने इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, उस पर माउस रख के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनग्रुप का है, तो अनग्रुप भी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ की ये अनग्रुप जो है आपको सिंगल सिंगल लाइन आपको सिलेक्ट होगा, जब इस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आप अगेन इसके अंदर क्लिक करेंगे तो भी होगा, पर नॉर्मली ये एक वन टाइम में क्लिक में नहीं होगा, वन टाइम आपको ग्रुप को क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेकेंड टाइम आपने सिंपल अलग अलग अपने सिलेक्शन करना है, तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि देखिए यहाँ पे 0.2 है, यहाँ 0.4 है। अभी थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अजीब हो रहा है कि दोनों का 0.2 है, थोड़ा सा ही बड़ा हो तो थोड़ा सही लगे कि मालूम पड़े। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो कैसे करना है कि इस पर हमने सेलेक्ट किया इस लाइन को और उसके बाद राइट क्लिक किया, देखिए क्या है साइज एंड पोजिशन। अब देखिए ये ग्रुप में नहीं है, जब ग्रुप में जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइज एंड प्रॉपर्टीज आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप के अंदर साइज एंड प्रॉपर्टीज आएंगे, और जो ग्रुप में नहीं होगा उसके अंदर साइज एंड पोजीशन आएंगे, पर दोनों का एक ही ऑप्शन आएंगे। अब दोनों को ओपन करके आप, जैसे मैंने इसी को ओपन करके, हमने इसको ओपन करके साइज एंड प्रॉपर्टीज में गए, इस तरह से आया। तो उसमें फ़र्क क्या है कि आप ग्रुप में करेंगे तो सारे हाइट, विड्थ, रोटेशन सब देंगे, पर जब आप इसके अंदर जो अनग्रुप में करेंगे तो जिसको क्लिक करेंगे, जैसे ये विड्थ है और ये हाइट है, तो जिसको क्लिक करेंगे सिर्फ वही शो करेगा, जैसे हमने अभी इसको क्लिक की, तो देखें हमने अनग्रुप में वाले को सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें सिर्फ हाइट को ही बता रहा है, अगर विड्थ करेंगे तो विड्थ को ही बताएगा विड्थ क्या है, देखिए। तो हमने आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो दोनों चीज़ नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको बड़ा करना है थोड़ा, क्योंकि ये 0.4 है, 0.2 है, तो इसको बड़ा करने के लिए मैं हाइट पे जाना है, ये हाइट ऑलरेडी दिखा रहा है, ये कितना 0.6 है, तो हमने इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 0.8 कर देते हैं, या 0.85, 0.9 कर देते हैं, चलो। देखिए अब आपको दिख रहा है कि अभी आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इसकी लाइन चेंज करना है, जैसे हमने इसका ये हमारा है, इसकी लाइन को हमने डॉट करना है या कलर्स देना है, तो हमने क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर गए और फिर अगेन क्लिक करेंगे तो हमने ये सिंगल लाइन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर हम राइट क्लिक किए,
ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेप्स में जाएंगे, या नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर अपने कहीं पे भी जा करके फॉर्मेट सेप्स में जा सकते हैं। ठीक है, देखें आप यहाँ पे आपको किसको कलर चाहिए, हमने इसको चाहिए, 12 मीटर का जो लाइन है हमारा उसको चाहिए, तो उसको क्या देना है हमें, हमें इसको डॉट करना है। देखो ये सारे डॉट्स वगैरह आपके सामने ओपन हो चुके हैं, आपको जो सा चाहिए ये हमने कर दिया। ठीक है, इसे कलर्स देना है तो कलर्स हमने यहाँ से कलर्स दे दिए, जो कलर्स आपको सही दिखता हो ये कलर्स दे दिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने कलर्स वगैरह या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैं इसको फिर से आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब ये इस तरह से हो गया, अब इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं आपने। अभी अभी इसको क्या करना है कि थोड़ा सा हमें नीचे लाना है, तो देखें हमने ग्रुप के अंदर भी आएगा, अब बिना ग्रुप के अंदर भी हमने जो आपके कीबोर्ड के अंदर एरो होगा लेफ्ट राइट अप डाउन का, तो आप उसको अप जाना है तो अप वाले एरो को आपने कीबोर्ड के अंदर आपने प्रेस करना है तो वो ऊपर जाएंगे, और डाउन आना है तो डाउन वाले कीबोर्ड को। इस तरह से अपने ग्रुप के अंदर जाना है तो ग्रुप के अंदर भी एक सिलेक्शन हो गया, सेकेंड सिलेक्शन जिसको चाहिए वो करें, तो आपने इस तरह से अप डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने शेप को चेंज करना है और उसमें जो चाहिए आपको उस तरह से आप कर सकते हैं। सही है, अब देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप को पूरे को भी कम कर छोटा करना है, तो हमने करना क्या है कि सेम हम जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हमने देखिए इसमें जाएंगे, अब हमने हाइट चेंज करना है, तो हाइट कम करना है तो हमने हाइट में जा करके हमने देखिए ये कम हो रहा है। ठीक है, अगर विड्थ कम करना है तो विड्थ में जा करके हमने यहाँ पे जब हमने ग्रुप को करेंगे तो उसमें विड्थ हाइट सब शो करेगा, और जब इसके अंदर सिर्फ जाएंगे तो सिर्फ आपको जो हाइट को कर रहे हैं तो हाइट शो करेंगे और विड्थ कर रहे हैं तो विड्थ शो करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने अपनी ड्राइंग को सही से, अपने शेप को सही से आप प्लेस कर सकते हैं। सही है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसमें अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको बार ब्रेंडिंग शेडो बनाना है तो मेरे चैनल पे जाएं, हमने वहाँ पे मैंने सिर्फ एक पार्ट नहीं लिया कि आपने कैसे स्टीरअप्स कैलकुलेट करना है या आपने कैसे मेन बार कैलकुलेट करना है या डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करना है, ऐसा मैंने नहीं बताया, हमने शुरू से बताया है कैसे आपने बार की प्लेसिंग करना है, कैसे आपने उसे रीड करना है, फिर कैसे आपने स्टीरअप्स या टाइज को कैलकुलेट करना है, फिर हमने सारी चीज़ें उसके अंदर बताए हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप प्लीज़ जाकर देखें, उसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इसे आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।